नागपूरमधील निर्बंध 31 मार्चपर्यंत सुरू राहणार असल्याचं सांगितलं आहे. निर्बंधामुळे नागरिकांच्या अर्थतंत्राला बाधा पोचणार नसल्याचंही प्रयत्न यावी राहील असं पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितलेलं आहे. नागपूरमधील निर्बंध हे 31 मार्चपर्यंत सुरू राहणार अशी माहिती जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी दिली. या निर्बंधामुळे नागरिकांच्या अर्थतंत्राला आणि रोजगाराला बाधा पोहोचणार नाही असे आमचे प्रयत्न राहतील असंही राऊत यांनी स्पष्ट केले. नागपूरमध्ये कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात सर्वपक्षीय आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शहरातील आमदार उपस्थित होते. नितीन राऊत म्हणाले की नागपुरात 21 मार्चपर्यंत कडक निर्बंध होते. संसर्ग कमी करण्यासाठी कठोर प्रयत्न केले जात आहेत. आज कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदा सर्वपक्षीय आढावा बैठक घेण्यात आली. तज्ज्ञांची मतं जाणून घेण्यात आली. व्यापारी वर्गाचीही मतं लक्षात घेतली जात आहेत. ज्या सूचना मिळाल्या त्याला अनुसरून सध्या सुरू असलेले निर्बंध 31 मार्चपर्यंत सुरू राहणार असल्याचं राऊत यांनी स्पष्ट केले. त्यासोबतच कोरोना लसीकरण वाढवण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत. प्रतिदिन 40,000 डोस देण्याचे प्रयत्न असल्याचं आणि त्यासाठी लसीकरण केंद्र वाढवलं जाणार असल्याचंही राऊत यांनी स्पष्ट केले. 21 मार्च तक के हमने यहां पर जो लॉकडाऊन कडक निर्बंध लगाए थे जिसे कुछ लोगों ने लॉकडाऊन कहा लेकिन यह लॉकडाऊन नहीं था तो कडक निर्बंध था और लोगों ने इसको गंभीरता से लेना चाहिए करके यह लॉकडाउन शब्द का प्रयोग किया गया था. लेकिन यह सब इसलिए किया गया कि नागपुर शहर और नागपुर ग्रामीण में बड़े पैमाने पे कोरोना इस डिसीज़ का प्रादुर्भाव बढ़ रहा है और उस वो बहुत चिंता की बात है. इसलिए आज मैंने खासदार आमदार नगर सेवक और जिला परिषद महापौर जी जिला परिषद अध्यक्ष इन सबसे मुलाकात की बातचीत की और बातचीत के साथ साथ व्यापारी संगठन जितने हैं उनसे भी वीसी द्वारा मैंने चर्चा की है. कुछ अखबारों के आपके साथी लोग जो है उनसे भी वीसी द्वारा मैंने चर्चा की और चर्चा के अंतिम में जो निर्णय किया गया वो निर्णय इस प्रकार से है कि पूरे ज़िले में 6,87,000 वैक्सीनेशन का हमारा उद्दिष्ट है और उसको युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए हमने हर रोज़ 40,000 इसका वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया है और शहर और ग्रामीण में जितने सेंटर्स हैं वो सेंटर्स हम बढ़ाने वाले हैं. ग्रामीण में 150 सेंटर किए जाएंगे और शहर में 150 सेंटर किए जाएंगे और उसमें लोक प्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाओं की मदद लेकर हम यह वैक्सीनेशन का काम करेंगे. जो बाधित जो पेशेंट थे जिनके सैंपल हमने NCDC न्यू दिल्ली को भेजा था उसके बारे में जो कोरोना के विषाणु जो थे जिसको जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है उसके बारे में हमको अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई नहीं है. 1 से 1.5 महीना अभी हो गया इस बात को लेकिन रिपोर्ट आई नहीं है. हमने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से निवेदन किया कि वे इसमें वे चूँकि वो मीटिंग में थे मीटिंग में गृह मंत्री अनिल देशमुख जी भी थे अपने खासदार ग्रामीण के कृपाल तुमाने भी थे पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पक्ष के विरोधी पार्टी लीडर देवेंद्र फडणवीस साहब भी मीटिंग में आए थे और उनसे बात हमने नितिन जी से बात की और उनको उस सैंपल्स का जो भेजा है उसकी चिट्ठी उनको दी है और उन्होंने हमको बताया कि मैं इस पर निश्चित रूप से बात करता हूँ और यह जो निर्बंध लगे जाएंगे